अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो विक्रम इंट्रो सीन फ्रॉम द मूवी विक्रम ऑफ कमल हासन सर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मुडाली नायको, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सर यस सर, करण का स्टेटस क्या है? जिस कार से किडनैप किया उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। वो एबंडेंड बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। व्हाट अबाउट अदर्स? यहाँ पर दो टीम्स है सर। पोजीशन? एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में है और बाकी सब बेसमेंट में। ओके, सब अलर्ट रहना सर, मुझे किडनैपर सीधा चाहिए। डोंट रूल द थिंग। श्योर सर। सर वो कार मूव हो रही है। ए, चला चला, आजा, आजा। Normal.
statement here. With this, we declare war against the system. Please don't take it personally, Mr. Karan. Next one. सात दिन बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा और उसमें भी सात दिन का गैप। इस पैटर्न को देखें तो अगले सात दिन के बाद एक और मर्डर हो सकता है। बट आई थिंक दिस विल गो ऑन। उन तीनों मर्डर्स की क्लिप्स हमें डायरेक्ट भेजिए सर। डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेजी गई है। एनी डिमांड्स? ट्रू स्टॉक्स? सो फार नथिंग। मरने वाले दो आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बस इतना ही। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन वीडियोस को पब्लिक में और मीडिया में आने से रोका जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? पुलिस डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को सीरियल किलर्स मार रहे हैं। अगर ये पब्लिक में आ गया तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। सो अगला मर्डर होने से पहले हमें उन्हें पकड़ना है। दे आर ग्रुप ऑफ फाइव। उन्होंने वॉइस को सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके डिजिटली भेजा है। नो फिंगरप्रिंट्स, नो हेयर फॉलिकल्स, नो स्वेट ड्रॉप्स, जीरो लीड्स। नाउ वी नीड योर हेल्प। अमर हार्बर से गायब हुए दो कंटेनर्स का क्या हुआ? पहले हम इन्हें पकड़ना चाहते हैं। We are working on it, Amar. सर आप जानते हैं हम कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ। From now on, आपके डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स इन्वेंटरीज के एक्सेस में चाहिए। इस केस से जुड़े हुए एविडेंसेस, विटनेस, विक्टिम्स के प्रोफाइल्स और फैमिली डिटेल्स, सब कुछ। और गन्स, एमोस, एक्सप्लोसिव्स इफ नीडेड। इसका हिसाब आप नहीं पूछेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर अप्लाई करोगे तोड़ देंगे। गो अहेड। हेलो सर, कौन है ये अमर? सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए इसको क्यों बुलाया सर? डिपार्टमेंट में और कोई नहीं मिला क्या? एक मिनट, ए देखो उसकी गाड़ी निकल गई क्या? ओके सर। यस सर। सर, भाभी ने तो उसका अपॉइंट किया है, तो आपको चोरी छुपे क्यों सुनेगा? वो बग रखेगा, हम सब पर शक करेगा। आपने ब्लैक स्पॉट के बारे में सुना? ऑपरेशन अननोन, उसका चीफ वही था। इसका नाम हमारे ऐसा सिस्टम में लिखा है, पर उसका एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता, सिर्फ वही जानता है। इन लोगों का राशन कार्ड नहीं होता, आईडी प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता। जस्ट नोबडी trying to be reckless, they act like a spy or an undercover agent. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये होते हैं गवर्नमेंट के स्लीपर सेल। उसी एजेंसी के जरिए इनके पास खबरें पहुंचती हैं और सीक्रेट ऑपरेशंस जिस जगह होते हैं उनका विश्वास जीतते हैं। नहीं नहीं, काम होने तक वहीं रुकते हैं और काम होने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है, अपने काम के बारे में किसी को ना बताना, एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना। सो फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, इन सब के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और एक हफ्ते में हमारी शादी है, इसी शहर में है ना? बदलोगे तो नहीं? हमने एक बार भी शॉपिंग नहीं की। मुझे काम है बेबी, तुम कर लेना। अरे நான் எங்க
என்ன வேலை செய்யறேன்னு கேட்டதே இல்லை. ஆர்ஃபனேஜ்ல இருந்து இது வரைக்கும் நீ என்ன அவ்வளவு நம்புற, அது அப்படியே இருக்கட்டும். கல்யாணம் ஆகுறதுனால கேள்வி கேட்கறது என் மேல நம்பிக்கை போச்சுன்னு தோணுது. इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगी. अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. हंस क्यों रहे हो? इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी बड़े आदमी हैं, उन्हें अनअकाउंटेड अनएथिकली अगर उखाड़ना है वो यही करते हैं. उसको किडनैप किया, उसके बाद जो मेन ऑफिसर है इज लाइक अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, और मार दिया उसको लिटरली. लाइक देखने में भी ऐसा था कि धड़ खर करके उसको पूरा. एंड उसके बाद जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ना एक पैर का वो ऐसा पार्ट अलग होके गिर जाता है. माँ कसम कैसे, मतलब यार दिल है कि पत्थर, मैं तो खून नहीं देख सकती अपनी आंखों से जरा सा भी. वो तो मुझे ऐसा लगता है वो माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन देते हुए भी नहीं देख सकते ये ऐसा डायरेक्टली किसी को उड़ा देना, किसी के दिल में ये कर देना एंड ऑल दोस थिंग्स. तो मैं फुल टाइम सोच थी मैं पक्का इंट्रो सीन पे रिएक्ट कर रही हूँ, ये कोई क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट एंड वाली सीन तो नहीं है ना करके, बट ये ऐसी इंट्रो सीन ही है. एंड इंट्रो सीन में ही कमल हासन सर को मार दिया है, मार दिया है लिटरली. इसके बाद उसकी स्टोरी शायद स्टार्ट होगी, नहीं ऐसा भी नहीं लग रहा है, बिकॉज एंड इस तरीके से होना ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है. अगर मूवी है और मूवी में उनकी डेथ हो गई समझो फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से एंड होना थोड़ा सा बोरिंग सा नहीं हो जाएगा क्या? तो बहुत सारे सस्पेंस मेरे दिमाग में चल रहे, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है कि क्या होगा, स्टोरी क्या होगा. इतना पता चला कि ये कोई गवर्नमेंट, बिकॉज दिस एक्शन इज अगेंस्ट सिस्टम, ये हमारा एक्शन है अगेंस्ट सिस्टम. ओके, वो जिन लोगों ने मारा, तो ये सिस्टम में काम करने वाला एक इंसान हो सकता है कमल हासन सर, लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसे, राइट? इस मूवी में सो दैट्स द रीजन उन्होंने उसको ही चुना और उसी को मार दिया. बट जिस तरीके से मारा और जिस तरीके की वीडियो बनाया, माय गॉड, लाइक इससे तो पूरा क्या बोलते सिस्टम हिल जाएगा, मीडिया हिल जाएगी एंड एवरीथिंग लिटरली. मैंने वो मूवी देखी मेजर कल नहीं, दो चार दिन पहले. एंड उसमें मैंने देखा कि जिस तरीके से वो मीडिया वाले कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, कि उधर से टेररिस्ट लोगों को सारी डिटेल्स पहुंच रही थी कि क्या ड्रेस पहना है, ये बोला तो वहां के उन लोगों को सारी न्यूज पहुंच रही थी, उन्होंने भी ड्रेस चेंज कर दिए. मतलब सारी न्यूज, सारी छोटी छोटी बारीक चीजें मीडिया वाले बाहर खड़े रहकर बोल रहे थे एंड वो सारी टेररिस्ट लोगों को पता चल रही थी. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा, मतलब नेशन सिर्फ अपना हेडलाइंस और अपने टीआरपी पे ध्यान दे, नेशन की तरफ कोई ड्यूटी वो है ही नहीं. अब मैं कहां से कहां चली गई, मेजर मूवी विक्रम मूवी. विक्रम इज लाइक फुल ऑफ सस्पेंस नाउ. आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू रिएक्ट ऑन द अनदर सीन बाय द वे, बट That's the reason मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही थी. तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो विक्रम इंट्रो सीन ऑफ कमल हासन सर. आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइज, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लाइक, व्यूज, कमेंट, गिव गुड रिस्पॉन्स. एक्चुअली क्या हुआ, ये मूवी जैसे ओटीटी पे आई वैसे मुझे रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे कि प्लीज स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन विक्रम मूवी सीन्स. सो इतने रिक्वेस्ट है तो मैंने कर दिया, बट आपके रिस्पॉन्स की, आपके साथ की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी नखरेवाली मोना, फॉलो मी देयर इज वेल. एंड दी सेकेंड आई डी जहां पे मैं मेरा क्लोथिंग का स्टोर है तो वो है mona.fashionstore. डू विजिट वंस एंड कुछ पसंद आए तो जरूर ऑर्डर करना, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. बात ये परत न्यालिज, हाँ.